ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले भाजपा नेता गुड्डा पटेल को भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी गुड्डा पटेल के द्वारा किए शब्दों के प्रयोग के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। गुड्डा पटेल इतना शातिर है कि हो रहे विरोध से ध्यान भटकाने के लिए यह अफवाह फैला दिया कि उसके घर में हवाई फायर किया गया है। हवाई फायर की घटना के बाद विरोध कर रहे लोगों की सांसें फूल गईं और यह संदेह हो गया कि यह वर्ग करा सकता है। गुड्डा पटेल का यह दुसाहसिक कदम वर्ग संघर्ष के लिए की ओर ले जा रहा है। विरोध करने वालों में शामिल आप पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी रह चुके शुभ्रांशु त्रिपाठी अपने साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मांग की है कि गुड्डा पटेल को पुलिस अभिरक्षा में ले, अन्यथा यह शातिर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकता है। उसके द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि उसके घर में हवाई फायर किया गया है, इसलिए गुड्डा पटेल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिससे वह आगे किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न ना कर सके और सुरक्षित महसूस करे। आइए सुनते हैं धरने पर बैठे प्रमोद शर्मा को उन्होंने क्या मांग की है। क्या यहाँ पर जो है इसको धरना बैठ जाए या सोच लें, लोगों के लिए ये संदेश छोड़ने हम आए हैं कि कल मैं गया था वहाँ पर, FIR की बात हो गई थी। FIR के बाद होने के बाद वहाँ से सब लोग हम लोग चले गए थे, मैं भी स्वयं गया था। लेकिन जिस प्रकार से कल रात को गोली चलाने की बात जो उसने जो फैला दी, एक तो पहले माँ बहन की गाली देने का पहले सत्येंद्र सिंह गुड्डा ने अपने घर पे गोली की जो बात फैलाई, इससे क्या है, दो जातियों के बीच में सांप्रदायिक बात आ रही है, आपस में होना चाह रहा है, वो भिड़ंत ना हो, इस बात के पहरी के रूप में मैं प्रमोद शर्मा जो है, क्योंकि मेरी विधानसभा से आता है, सिमरिया विधानसभा पूर्व मैं प्रत्याशी रहा हूं और ये राजनीतिक कोई कार्यक्रम मेरा नहीं, इसलिए मेरे पार्टी के लोगों को मैंने मना किया है। मैं पर्सनली इस बात पे हूं और यहां पर कहने आया हूं कि आपके उसके लिए कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, ताकि उसके साथ अगर अफवाह भी है तो ऐसी घटना ना घटे, और अगर अफवाह है तो भी अफवाह फैलाकर उसने पूरे शहर में एक अलग बात फैलाई है, जिस कारण उसको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। FIR तो हो ही रही है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन जनता में संतोष जाना चाहिए कि इस प्रकार का कोई आदमी आपस में जातिगत भिड़ंत न करा पाए, और वो एक असामाजिक व्यक्ति है जिसने इस प्रकार का संदेशा जबरन गोली चलने की बात फैलाई और उसके पहले गाली दी, उसके बाद फिर जो है जिस प्रकार लोग सड़क पे आए, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों का 7 साल से भले कम की सजा है, लेकिन उसको 141 की नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसको घर से उठाकर गिरफ्तार करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, उसकी सुरक्षा बनी रहेगी और शहर के अंदर अच्छा माहौल भी रहेगा। अफवाह का फैलाया गया था, ये अफवाह उसने फैलाई है, क्योंकि मैं वो पड़ोस से हूँ, मैंने पता किया, वहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। और ये गुड्डा सिंह कौन है? गुड्डा सत्येंद्र सिंह गुड्डा जो है BJP का जो है KP त्रिपाठी का बाल सखा है और राजेंद्र शुक्ला का बिल्कुल बेहद करीबी आदमी है। कल अजय सिंह से बोलकर जब उन्होंने इसको निष्कासित किया है तो उस समय हम लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया था, लेकिन आज यहाँ पर आना हमारा दो लोगों का ये है ताकि समाज में जाए कि आपके प्रहरी के रूप में हम लोग बैठे हैं, आप लोग परेशान सड़क में ना उतरें। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, गिरफ्तारी हम तो अपना संदेश देने आए हैं, हम तो गिरफ्तारी अगर नहीं होगी हम बैठे हुए हैं, हमारी हो जाएगी।